अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ टू कन्वर्ट एनी अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में जाएंगे तो आपने मल्टीप्लाई करना है। आपने मल्टीप्लाई किससे करना है? जो लेफ्ट साइड पे रेडिक्स होगा आपने उससे मल्टीप्लाई करना है। ये एक हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक सवाल लिखा है, डैट इज़ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। कैसे पता चलेगा आपको बाइनरी? क्योंकि इसकी बेस देखकर आपको पता चल जाएगा ये बाइनरी नंबर है। और आप डिजिट्स भी देख सकते हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर में दो डिजिट्स होते हैं, एक होता है ज़ीरो और एक होता है वन। तो बाइनरी से जब भी डेसिमल में जाएंगे तो आपने मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? टू के साथ, क्योंकि आपने देखना है राइट साइड पे कौन सा रेडिक्स है। जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला रेडिक्स, और जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो लेफ्ट साइड वाला रेडिक्स देखना है। मेरी से मिस्टेक हुई थी, लेफ्ट साइड वाला आपने रेडिक्स देखना है। तो लेफ्ट साइड वाले रेडिक्स से आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो अब वन को मल्टीप्लाई किया हमने टू से, बीच में साइन आएगी आपके पास प्लस की। ज़ीरो को मल्टीप्लाई किया टू से, फिर वन को मल्टीप्लाई किया टू से, फिर वन को मल्टीप्लाई किया टू से। करने के बाद आपने राइट हैंड साइड पे जो टू है, टू के ऊपर आपने ज़ीरो से आपने इसके ऊपर पावर लगानी है। तो यहाँ सबसे पहली पावर हुई ज़ीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री। याद रखिएगा, आपने टू के ऊपर पावर लगानी है, इस नंबर के ऊपर पावर नहीं लगानी जो इसका रेडिक्स होता है, इसके ऊपर पावर लगानी है। और ज़ीरो से स्टार्ट करना है, ज़ीरो, वन, टू, थ्री। वन एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लाई बाय टू की पावर थ्री क्या होता है? एट। प्लस याद रखिएगा, ज़ीरो को की कैलकुलेशन करना बेकार होता है। याद रखिएगा, ज़ीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, आंसर ज़ीरो आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया। वन मल्टीप्लाई बाय टू की पावर वन, आपके पास क्या आया? टू आया। वन, टू की पावर ज़ीरो। अच्छा, एक चीज़ आपने और याद रखनी है मैथमेटिक्स में, किसी की भी पावर ज़ीरो आंसर क्या आता है? वन। और कोई भी नंबर ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, आंसर क्या आता है? ज़ीरो। तो यहाँ पे ये इसकी पावर है ज़ीरो, तो टू की पावर ज़ीरो क्या होती है? वन। तो वन अब यहाँ फर्दर कैलकुलेशन करनी है, एट वन ज़ा एट, ज़ीरो को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, टू वन ज़ा टू, वन वन ज़ा वन, इन सब को प्लस कर लें, एट टू टेन और वन इलेवन। ये आपने लिखना ज़रूरी है कि हम कहाँ कन्वर्ट हो चुके हैं, हम डेसिमल में कन्वर्ट हो चुके हैं, बाइनरी से कन्वर्ट हो चुके हैं डेसिमल में। तो आपने इसकी रेडिक्स बेस ज़रूर लिखनी है, दैट इज़ आंसर। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ऑक्टल टू डेसिमल। ये जितने भी कन्वर्जन मैं आज आपको सिखा रहा हूँ, कन्वर्टिंग टू डेसिमल, ठीक है। अब ऑक्टल टू डेसिमल में जाना है तो मल्टीप्लाई कहाँ से करना है? लेफ्ट वाले से। तो लेफ्ट वाला रेडिक्स क्या है? एट, ठीक है। अब एट से आपने मल्टीप्लाई करना है, फोर मल्टीप्लाई बाई एट, बीच में प्लस की साइन ज़रूर दीजिएगा, माइनस नहीं देना, आपने प्लस देना है, थ्री मल्टीप्लाई बाई एट प्लस सिक्स मल्टीप्लाई बाई एट। अब आपने पावर किसके ऊपर लगानी है? क्योंकि यहाँ पे 8 था लेफ्ट साइड पे रेडिक्स, उसके ऊपर पावर लगानी है। याद रखिएगा, पावर मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, पावर ज़ीरो से स्टार्ट होनी चाहिए, ज़ीरो वन टू फोर एज इट इज़ 8 की पावर 2। तो कुछ बच्चे क्या गलती कर देते हैं पेपर में, 8 की पावर 2 मीन्स 8 टू ज़ा 16, नो डैट इज़ रॉन्ग। 8 की पावर 2 मीन्स 8 दो बार मल्टीप्लाई होगा, 8 की पावर 2 मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाई 8 डैट इज़ 64। इसी तरीके से 8 की पावर 3, तो 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा 8 थ्री ज़ा 24। ये आप मिस्टेक कर जाते हैं और बच्चों को पता ही नहीं होता कि पावर किस तरीके से हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। 8 की पावर 2 मीन्स 64 प्लस 3, 8 की पावर 1 मीन्स 8 प्लस 6, 8 की पावर 0 मैं अभी बता चुका था आपको, किसी की पावर 0 आंसर क्या आएगा? 1। 64 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 256, 8 थ्री ज़ा 24, 6 वन ज़ा 6, इन सब को प्लस करेंगे 286, और हम कहाँ कन्वर्ट हो चुके हैं? डेसिमल में। तो हम ऑक्टल से कहाँ कन्वर्ट हो चुके हैं? डेसिमल में। इस तरीके के एक सवालात आपके पास बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में आते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। और इसके लिए आपने कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, रफ़ कॉलम आप कैलकुलेशन बना सकते हैं रफ़ कॉलम में। अच्छा, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में भी आपने क्या करना है? लेफ्ट साइड के रेडिक्स देखना है। लेफ्ट साइड पे क्या है? 16, 16 से मल्टीप्लाई करना है। हेक्साडेसिमल में एक चीज़ आपको पहचाननी होगी, करैक्टर। करैक्टर भी बीच में आ जाता है। तो ए रिप्रेजेंट फॉर 10, बी रिप्रेजेंट फॉर 11, ये मैं आपको बता चुका था, आप मेरे पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस ए रिप्रेजेंट करता है 10 को, तो 10 आपने ए नहीं लिखना है, 10 लिखना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 की पावर 2, पहले मैंने बता दिया 16 टू ज़ा 32 नहीं करना, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर क्या आएगा? 256, 4 को 256 से मल्टीप्लाई करना है, 10 को 16 से, 2 को 1 से, जब 4 256 से होगा तो 1024,
10 मल्टीप्लाई बाय 16 160 और ये 2, इन सबको प्लस करेंगे आंसर क्या आएगा 1186, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू डेसिमल। तो आज जो मैंने आपको क्लास ली है वो अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम की क्लास ली है। थैंक यू।